अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हो, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। दरवाज़े पर ये जो मैंने सेल्फ एडहेसिव पेपर लगाया था, ये सही नहीं लगा था, ये बार बार उतरे जा रहा था। फिर मैंने चेक किया तो इस पर से क्लिन फिल्म थी, उतरनी थी, फिर इसने अच्छे से चिपकना था, तो ये अभी सही से मैंने लगा दिया है और अभी उतर नहीं रहा। और दुआ ने अभी ये डॉटर मंगवाए हैं टीमू से, नेल पॉलिश डॉटर जो होते हैं ना, बड़े अच्छी, इससे आप नेल पेंट के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोनों बहनें जो हैं वो लगी हुई हैं। इस वीकेंड बुरहान की सालगिरह थी, इसकी सालगिरह का गिफ्ट इसने पहले ही ले लिया था, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो ये काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था। मुझे अभी लेकर दें वो मेरी सालगिरह का गिफ्ट होगा, तो अभी जब सालगिरह आई है तो कह रहा है मुझे ना वो जो लेगो होती है वो भी मुझे चाहिए, तो वो फिर अभी हम टॉयज़ आर अस जा रहे हैं लेने के लिए। फ्राइडे को बुरहान और दुआ स्कूल नहीं गए थे, चर्च लेकर जाते हैं सम टाइम, तो इनको पता था, तो इन्होंने कहा हमारा काफ़ी टाइम वहाँ पर लग जाना है, तो हम ऐसे ही बोर होते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो वैसे तो मैं नहीं इस तरह छुट्टी करवाती, लेकिन इन्होंने यहाँ भी जाना था तो फिर मैंने कहा चलो आज छुट्टी कर लो। जब ईमान छोटी थी तब हम स्टोर पर बहुत ज़्यादा आते थे, ये इस तरह के खिलौने हमने ईमान के लिए बहुत ख़रीदे, सबसे ज़्यादा खिलौनों से ईमान ने ख़रीदा, फिर थोड़ा बहुत फजर ने खरीदा, और दुआ की तवा तो सभी कुछ ख़त्म हो गया। दुआ जो है वो थोड़ी क्रिएटिव है, उसको खुद से चीज़ें बनाने का काफ़ी शौक है। जो रिस्ट बैंड होती है ना, जो रबड़ बैंड से बनती है, इतनी प्यारी बनाती है मिक्स कलर के साथ ना, तो इस तरह की चीज़ें क्रिएटिविटी करने का उसको काफ़ी शौक है, तो ये चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। बुरहान को कॉफ़ी केक पसंद है, तो उसकी सालगिरह के लिए मैं वही बना रही हूँ। बेकिंग करने से पहले तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रख लें, तो आपकी बेकिंग बहुत इजी हो जाती है। बेकिंग स्टार्ट करके चीज़ें इकट्ठी मत करें, जैसे मैंने पहले वो ट्रे तैयार की, ओवन को मैंने ऑन कर दिया है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे निकाल के रख देने हैं, और फिर बेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। एग जो है ये मिक्स हो रहे हैं, तो उतनी देर में मैं ये जो वॉलनट है ये चॉप कर लूँगी। मैं कॉफ़ी बटर कॉफ़ी केक बना रही हूँ, कॉफ़ी बटर केक ही होगा ये, और इसमें ब्राउन शुगर डालनी है, तो एग जो है उसको वैसे ही मैंने मिक्स कर दिया है। ब्राउन शुगर वज़नी होती है तो वो बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं। इस केक का लिंक जो है मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी। अंडे डाले हैं, चीनी डाली है, ब्राउन शुगर, और पाउडर फॉर्म में मैंने वॉलनट डाले हैं, थोड़े क्रंची भी रख सकते हैं, थोड़े क्रश करके भी, लेकिन मैंने बिल्कुल उसका पाउडर बना दिया है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है, क्योंकि ये ब्राउन शुगर है तो वो वज़नी होती है, तो उसको फूलने में हेल्प करेगी। कॉफ़ी जो मैंने वाटर में डिज़ोल्व करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और ये दो ट्रे हैं इसमें मैं डिवाइड कर दूंगी, और इसको मैंने 25 मिनट का टाइमर लगाया था, जबकि ये केक 21 से 22 मिनट में बेक हो गए थे। इसमें मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं डाला, क्योंकि कॉफ़ी का फ्लेवर इट्सेल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी सूरत में वनीला फ्लेवर या वनीला एक्सट्रैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एग की खुशबू जो है उसको ख़त्म कर देगी। इस वक्त ग्लासगो में, बल्कि पूरे यूके में इस तरह गर्मी पड़ रही है जिस तरह अप्रैल मई या जून के महीने में पड़ती है, कि गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली होती है, ऐसी फीलिंग है। और इतनी गर्मी है, इतना खबस हो जाता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं खाने कौन से बना रही हूँ, मैं कोफ्ते का सालन बना रही हूँ, क्योंकि
फजर की सालगिरह पर ज़्यादातर मैंने पार्टी फूड बनाया और स्टोर बोट ही था सारा। और अभी मेरे बेटे की सालगिरह है तो मैं मेन मील टाइप की पार्टी रखूँगी और वही सारा खाना बनाऊँगी और जो मेरे बेटे को पसंद है। और मैं एक दिन पहले ही मैक्सिमम कुकिंग कर लेती हूँ। मैंने सेम डे कुकिंग करके भी देखा है, हमसे वो खाना नहीं खाया जाता। हम एक दिन पहले बनाकर दूसरे दिन खाना खाएं तो थोड़ा खाना एक तरह से रेस्ट कर लेता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है तो हमसे खाया जाता है। सेम डे कुकिंग करके मैंने इस तरह पार्टी फूड बनाकर देखा है, इस तरह जो मेन मील मैं बना रही हूँ ना, तो वो हमसे इतने अच्छे से खाया नहीं जाता। और यहाँ पर आपने देखा मैंने कॉफ़ी बटर आइसिंग बनाई है, और क्योंकि ये कॉफ़ी वॉलनट केक है तो इसके लिए वॉलनट चाहिए। और मैंने वॉलनट जो है उसको बिल्कुल मैंने पाउडर फॉर्म में ही चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये रेक्टेंगल केक है, इसकी साइडें जो है थोड़ी सी मैं ट्रिम कर दूँगी। आज मेरा जी चाह रहा था मैं इस तरह का केक बनाऊँ, और जो इसकी साइडें मैंने ट्रिम की हैं उसका भी हमने क्रम सा बनाकर इसकी साइडों पर ही लगा देना है, या वैसे भी वो खाया जा सकता है। और केक के मिडल में आइसिंग की है और अच्छी खासी जो लेयर है वॉलनट जो मैंने क्रश किए थे वो इसमें लगा देने हैं। और साइडों पर फिर से जो है मैंने आइसिंग करके जो केक साइडों से मैंने कट किया था उसी के क्रम बनाकर इसकी साइडों पर लगा देने हैं। और एक तो वो यूज़ हो जाएंगे और दूसरा डेकोरेशन की डेकोरेशन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जब मैं आइसिंग इस तरह बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत आइसिंग जो है बच जाती है तो वो फिर वैसे खाई नहीं जाती, एंड ऑफ द डे वो फेंकनी ही पड़ती है। तो इसके लिए जो मैंने आइसिंग बनाई वो पूरी पूरी आई। और यहाँ पर देखें थोड़ी सी आइसिंग मिडल पे मैंने लगाई लेकिन वो इतनी सही नहीं लगी। तो इस तरह अगर आइसिंग बनाई है वो सही नहीं लग रही तो उसको आप ऑलवेज बटर नाइफ से या इस तरह स्पैचुला से उसको आप उतार भी सकते हैं या लेवल कर सकते हैं। और इसके मिडल में मैंने जो वॉलनट पाउडर फॉर्म में मैंने चॉप किए थे वो इसके ऊपर मैंने बिखेर दिए हैं, और कॉफ़ी बटर क्रीम केक जो है तैयार है। यहाँ पर मैं वाइट चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। 2 से 3 स्मॉल टू मीडियम साइज़ के ओनियन, 2 से 3 इंच जिंजर का टुकड़ा, और 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो क्रश गार्लिक डाला है, 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें मैं जो लाई हूँ एल्टा से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और चूंकि मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा सूखा धनिया नहीं था वो भी मैंने इसी में डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड करना है और फिर इसमें हाफ कप तक योगर्ट जो है वो डाल देना है, और ये तमाम चीज़ें अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। और तकरीबन 1/4 कप या 3 से 4 टेबलस्पून तक इसमें डबल क्रीम डाल देनी है। और अभी ये तमाम मिक्सचर एक पॉट में डालकर कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसको अच्छे से ज़रा पकाना है। इसमें मैंने नमक डाला है, ज़ीरा सूखा धनिया पहले ही डाल दिया था, और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून क्रश की हुई काली मिर्ची इसमें डालनी है। काली मिर्ची पाउडर फॉर्म में नहीं डालनी कि वो हांडी का रंग काला कर देंगी। जो मसाला मैंने प्याज का बनाया है वो जब अच्छे से पकने लगेगा फिर इसमें चिकन डालना है। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है, बोनलेस है, तो इसको मैंने डाल दिया है। जो चिकन फिलेट होती है इसमें काफ़ी वाटर होता है, इसको फुल फ्लेम पर पकाना है और इसका लिड उतार देना है। यहाँ दूसरी तरफ लज़ानिया बनाने के लिए जो मीट है, जो मिंस है, वो भी मैंने कुक कर लिया था एक दिन पहले ही, कोफ्ते तैयार हो चुके हुए हैं। और इस हद तक जब अच्छे से मसाला पक गया है तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि हमने नेक्स्ट डे खाना है, इसने एक दफ़ा फिर गर्म होना है अच्छे से तो फिर ये सेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट डे जो है मैंने तंदूरी चिकन विंग मैरिनेट करके रखे थे तो मैं उसको ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी।
मैं अमूमन एयर फ्रायर में ही बना लेती हूँ, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा भी थे और मैंने कहा बार बार मैं निकालूंगी रखूंगी, तो मैंने एक ही दफ़ा बड़े ओवन में तमाम चिकन विंग जो हैं वो बेक होने के लिए रख दिए कि चलो एक ही दफ़ा काम ख़त्म हो जाएगा। ये बड़े ओवन में 225 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट लगे होंगे, एक साइड 20 मिनट फिर दूसरी साइड 20 मिनट, और फिर इसको चारकोल का इफेक्ट लगा दिया और तंदूरी चिकन विंग जो हैं वो तैयार हो गए। ये जो बेकिंग ट्रे थी इसमें मैंने पहले बटर पेपर बिछाया, फिर मैंने इसमें अल्मोनियम फॉइल बिछाई, तो अभी ये सारा कुछ उठा के मैं बड़ी बिन में फेंक दूंगी और ट्रे जो है वो साफ़ हो जाएगी। ये हम एक दिन पहले लेकर आए थे और इसको हमने खोल देनी दी कि ये जिस दिन तुम्हारी सालगिरह होगी उसी दिन तुम इसको खोलना। इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, कुछ डिफरेंट एज की थी, कुछ 4 ईयर प्लस, कुछ 7-8 ईयर प्लस, लेकिन ये थी 4 to 99 ईयर तक के लोग या बच्चे जो भी हैं इससे खेल सकते थे, तो ये काफ़ी इसमें चीज़ें बन सकती हैं, तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए सही है। और इस तरह बलून जो हैं वो छत पर लगाए, अभी मैं मिक्स वेजिटेबल सैलड बना रही हूँ। आपने देखा मैंने पोटैटो जो है उनको पहले बॉयल किया है छोटे छोटे डाइस में कट करके, योगर्ट, डबल क्रीम मिल्क और क्रीम चीज़ ली है और इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया है, फिर इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कुटी हुई क्रश ब्लैक पेपर, मिक्स वेजिटेबल बॉयल्ड मिक्स वेजिटेबल बॉयल्ड की आलू और प्याज और हरी मिर्चें और कद्दूकश की हुई कैरेट्स डाल देनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी क्रीमी होनी चाहिए, चाहे तो इसमें दूध और डाल दें, डबल क्रीम और डाल दें, तो जो टेस्ट है वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें बॉयल एग भी डालने हैं तो वो हमने बाद में चॉप करके इसके ऊपर डाल दिए, चाहे तो इसके अंदर ही मिक्स कर दें। ये सैलड आई थिंक ये हेल्दी सैलड है, जी हाँ, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, स्पाइसी नहीं है, खाई जाती है ये। ये चीज़ें मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं, कोफ्ते की रेसिपी, लिजानिए की रेसिपी, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने शेयर नहीं की, वाइट चिकन कढ़ाई और साथ में जो सैलड बनाई है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मैंने बनाई वही बता रही हूँ। तो अभी मैं लिजानिए की लेयरिंग जो है वो कर रही हूँ। लिजानिया बनाने के लिए मैं रेडी टू कुक जो होती है ना, रेडी टू यूज़ जो लिजानिया शीट होती है ये वाली, ये पापड़ की तरह होती हैं, मैं यही यूज़ करती हूँ। जो उबाल के पास्ते की तरह होती हैं वो हम यूज़ करते, वो हमें पसंद भी नहीं है, वो अजीब सी बन जाती हैं, तो हमें यही अच्छी लगती हैं। ये शायद जब से हम लज़ानिया बना रहे हैं हम यही खाते हैं, तो वैसे हमें अच्छी नहीं लगती। एक और चटनी बना रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और प्याज लिया है, इन तमाम चीज़ों को ये जो ब्लेंडर है इसमें मिक्स कर दें, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, चीनी नहीं डालनी, और ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। मेक श्योर के जो मिर्चें आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, वरना ये खाई नहीं जाएगी। और यहाँ पर टेबल जो है तैयार है, 10 डिशेस मैंने बनाई थी, कुछ एक मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। एवरीथिंग मैंने घर पर बनाया, सिर्फ पीठा ब्रेड जो है वो घर पर नहीं बनाई, और वहाँ पर राइस नज़र आ रहे हैं वो मैंने वाइट राइस बनाए, उनको मैंने दम दे दिया, जब दम उतारने लगे तो मतंजन के रंग उसके ऊपर डाल दिए और 2-3 मिनट बाद उसको मिक्स किया, तो ये नमकीन मतंजन बन गई। इस तरह पार्टी करें, कोई मेन मील टाइप पार्टी हो तो पुलाव बनाने की बजाय इस तरह का खाना बना लें, इस तरह के राइस बना लें, तो वो भी एक अच्छा लुक देते हैं। कबाब का सालन है, कोफ्ते हैं, या साथ में चिकन का कोई सालन है तो उसके साथ खाया जाएगा, बजाय इसके के पुलाव बनाया जाए और इतनी मेहनत की जाए।
बुरहान ने पहले कहा था ये चीज़ें मेरी सालगिरह पर बनानी है, अभी पता नहीं ये यहाँ पर क्या बोल रही है। मैं इसी तरह, आपने देखा होगा कि इसी तरह से मैं घर पर ही सारा कुछ खाना बनाकर जो है हम फैमिली ही सेलिब्रेशन करती है। ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो या कोई ढोल ढमक्के हो कोई सेलिब्रेशन हो, तो घर में वैसे भी हम खाना खा लेते हैं तो ये भी बात होती है, तो सिंपल तरीके से ही हम सेलिब्रेट करते हैं। और इतना खाना बनाने में ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये है कि दो तीन दिन जो है वो आपकी छुट्टी होती है, आपको कुछ पकाना नहीं पड़ता है। तो ये बात भी है कि एक दिन दो तीन खाने बना लो तो नेक्स्ट दो तीन दिन जो है वो छुट्टी करो। ये लेगो लाने से ये फ़ायदा हुआ है कि टीवी की जान भी छूट गई है और इसकी जो टैबलेट पर गेमें खेलता है उसकी भी जान छूट गई है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। कोई भी वो आई थिंक मोबाइल से स्कैन करके तो उनकी वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पे वो सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह आपने बनाना है। वैसे तो नहीं समझ आएगी ना क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन से जो है बुरहान और दुआ बड़ी ईजीली इसको बना लेते हैं। फजर की सालगिरह पर आप लोगों ने इतनी अच्छी दुआएं दी, उसको इतने अच्छे तरीके से विश किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज बुरहान की सालगिरह है और ये देखें ये कितनी सारी चीज़ें बुरहान ने और दुआ ने जो हैं बनाई हैं। ये सारा दिन, दो दिन हो गए, सारा दिन इसी को लेके बैठे रहते हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें इससे बनती हैं। And there's so much variety of stuff that you can make, like so much. I'm the one who like found the most of the Lego, but like my brother's just like, find that. ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लाजमी वीडियो देखा करें और इसको लाइक किया करें, क्योंकि आपके देखने से ही वीडियो आगे रिकमेंडेशन में जाती है। अल्लाह हाफिज़।